तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कि जब कि एमएस ग्रिल्स होती है स्टेयर केस के अंदर, इसको असेंबल कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में जैसे आप देख रहे थे, पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमने यपका, देखो फिनिशिंग फेस है यपका, इस प्री कास्ट स्टेयर केस है, ये फिनिशिंग फेस है। तो 2 इंची हमने कहाँ पर लगाया था, साइड फेस से लगाया था। तो इसके फेस से इसके आउटर फेस को हो गया, ये आपकी नोजिंग हो गई, तो ऑटोमेटिक कहाँ पर आ गया, सेंटर में आ गया है। ये आपका फिनिशिंग फेस आपका बाहर आ गया है, ठीक है, ये आपका बाहर आ गया है। जो फेस आपका ये वाला जो ये राइजर है, ये आपके राइजर, ये बाहर आ गया, ये राइजर बाहर आ गया, तो ऑटोमेटिकली सेंटर में ब्लिस्टर आ जाते हैं, ठीक है, स्टेयर केस के अंदर। इस तरह से आप जैसे सामने लैंडिंग देख रहे हैं, और इस तरह से लैंडिंग में जो आप स्टेयर केस में आ जाते हैं, ब्लिस्टर हो गया 20 mm square, तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है। जितना स्पेस आपका यहाँ से बनेगा, ये 5 इंची है इसके सेंटर से, आउटर फेस 5 इंची है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी आपका 5 इंची आपका फेस में आ जाता है, ठीक है, इसके सामने आपको यहाँ पे लग जाता है इधर से सामने। और सेम पर्पज़ यही रहता है आपका, ब्लिस्टर जो होते हैं आपके सपोर्टेड फ्लैट बार, आपके स्क्वायर बार, आपका ये स्टोन, ग्रेनाइट लेना चाहते हैं ग्रेनाइट हो गया आपका, आपका ये कोटर स्टोन है, ठीक है, तो इस तरह से कोटर स्टोन प्रोवाइड करेंगे। ये आपके देख रहे हैं कटिंग कर दी जाती है यहाँ पे कलम में, ठीक है, तो फिर ग्राउटिंग के टाइम पे इसको सीमेंट मोटर से इसको फिलअप कर दिया जाता है। तो कुछ बेसिक पॉइंट है जो मैंने आपसे शेयर किया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।